नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में हम आपको शरद पवार से जुड़ी बेहद खास जानकारी देने वाले हैं, जहां एक तरफ मोदी भक्त निर्दलीय सांसद नवनीत राणा शरद पवार की मुश्किलों को काफ़ी हद तक बढ़ा चुकी हैं, शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी कर चुकी हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी करना एक अभिनेत्री को काफ़ी ज़्यादा भारी भी पड़ चुका है। आपको बता दें, एक वक्त था जब शरद पवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करता था, लेकिन आज हनुमान चालीसा और अजान विवाद के बीच शरद पवार के खिलाफ खुलकर विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट एक मराठी अभिनेत्री ने लिख लिया, जिसे थाने पुलिस ने शनिवार की शाम हिरासत में ले लिया है। इस अभिनेत्री का नाम केतकी चितले है। केतकी चितले के खिलाफ थाने पुलिस ने कथित तौर पर शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट साझा करने का मामला दर्ज किया। टीवी और फिल्म अभिनेत्री द्वारा शुक्रवार को शरद पवार को निशाना बनाने वाली पोस्ट लिखी गई, जिस पर एनसीपी के नेताओं ने कार्यवाही की मांग की। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस अभिनेत्री को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, मराठी अभिनेत्री द्वारा किए गए इस पोस्ट में शरद पवार का नाम हालांकि सीधे तौर पर नहीं लिया गया था, लेकिन इस पोस्ट में उनके उपनाम पवार और 80 साल की उम्र का जिक्र है। शरद पवार की उम्र 21 साल है। रिपीट, शरद पवार की उम्र 81 साल है। इस पोस्ट में लिखा गया था कि नरक का वो इंतज़ार कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, जैसी टिप्पणी लिखी गई, जो कथित तौर पर शरद पवार की आलोचना है। फिलहाल महाराष्ट्र में हालात ऐसे बन गए हैं कि नवनीत राणा के बाद कई और बड़े नाम हैं जो खुलकर शरद पवार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार की आलोचना करना इन नेताओं को भारी भी पड़ रहा है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।